यूं तो अब आप बहुत से नारों का शौक रखते हैं, मगर जो नारा बराबर हमेशा से लगाते रहे और वो क्या नारा है, वो भी तो दुआ ही है, अल्लाहुम्मा। अब नारा लगा दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। है मुत्तफ़क अलैह, है कोई बीच में अला भी बहाता है कोई नहीं बहाता, उससे हकीकत थोड़ी बदलती है। वो कोई कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मद, ऐसा तो असली नौइयत में तो फर्क नहीं होगा। तो अब हजरात हमेशा तो यूं कहा जाता रहा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब हजरात वो ईरानी हजरात को सुन सुन कर आदि हो गए कि मोहम्मद पर वक्फ कर देते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, यानि वो अला के जरिए से फासला करते हैं, ये सांस लेके फासला करते हैं। अरबी के कायदे से सही वही था जो आप अब तक कहते रहे थे, वो अपनी सही आदत को छोड़ के गलत आदत अब इख्तियार कर ली है। उसूल यह है कि जब बात खत्म हो जाए तब सांस ली जाती है, बीच में वक्त नहीं होता। वक्त कहने के मानिए कि बस इसके आगे हम कुछ नहीं चाहते। तो आप फकत रसूल को सलवात भेजना हो तो कहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, चुप हो जाइए। जब आपको उनके साथ साथ भेजना है सलवात आले मोहम्मद को, तो बीच में चुप क्यों हो जाते हैं।